अन्ना हजारे जी पे पहुंच गए वहां पर। अन्ना जी किस तरह से? आज मैं तुझे समझा रहा हूँ कि अनशन मैं नहीं करूँगा, अब अनशन करेगा ये हमारा कैमरा बाज, और ये जब अनशन करेगा तो तेरे को अनशन मारेगा। आइए एक फरमाइशी आइटम की फरमाइश हुई है वो पेश कर देता हूँ। माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी आजा नचले, ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। उसके पीछे कारण ये कि हीरोइन खुद ही बोल रही है नाच नाच के, नचले नचले मेरी जान तू नचले, तो नहीं चली। नचले नचले तो नहीं चली। अब मैंने सपने में सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने, कर्नाटक के कुविख्यात वीरप्पन जो शैतान को प्यारे हो गए, क्योंकि ऐसे लोग तो भगवान को प्यारे नहीं होते, भाई भगवान को भी खतरा है ना, तो शैतान को प्यारे हो गए। लेकिन सपने में सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया वीरप्पन ने, ये बात आग की तरह बॉलीवुड में फैल गई, छुड़ाने के लिए पहुंच गए सारे फिल्म स्टार्स, सारे सुपरस्टार्स। लेकिन वीरप्पन जैसे खतरनाक आदमी का सामना करना कोई आसान बात तो है नहीं, वो बात बात में बंदूक उठा लेता है। तो पहले कोशिश करते हैं, अपना स्टाइल दिखाते हैं, लेकिन बंदूक देखते फिर उनका स्टाइल बदल कैसे जाता है, हम्बल कैसे हो जाते हैं, ये कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बड़े जोश में जाते हैं नाना पाटेकर। नाना पाटेकर वीरप्पन दोनों एड़े आमने सामने, क्या होता है देखिए। नाना इधर क्यों करता है ये नहीं 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 क्या है, कहाँ बैठा हूं कहाँ खड़ा हूं कुछ तो सोचो। भगवान ने हाथ दी लगे बजाने देख वीरप्पन लड़की को छोड़ दे अच्छा नहीं है। वीरप्पन ने बंदूक उठाई बंदूक नीचे कर बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा है अगर नहीं किया तो बंदूक नीचे कर, अगर नहीं किया तो ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। हाँ भाग गया। भाग के गए कहाँ? उस लड़की के पास जो उसने गाना गाया, उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी छूना ना पहुंच गए। इधर कहाँ छूना है तुझे जल्दी बता मुझे लड़की ने कहा क्यों छूना है? तू ही तो कह रही है छूना ना तो नाना छूने आ गया साथ में लाला को भी लाया, ओ लाला उसको भी बुला ला, गुप्ता जी आओ। अब वीरप्पन के तरफ जाते हैं, तो वीरप्पन के सामने माधुरी को छुड़ाने के लिए एक ऐसे खतरनाक कलाकार चले गए जिनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कम अवार्ड ज्यादा मिलेंगे। खतरनाक कलाकार है, उनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। खतरनाक इसलिए क्योंकि नासिर है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं उनके पास, तो भारत रत्न भी है, रत्ना उनकी पत्नी का नाम है और भारत की है। अपने टिपिकल अंदाज में नसीर भाई समझाते वीरप्पन को, वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है, 10 गुना है 20 गुना है 100 गुना है पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये।
और ये पाप मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मजाक था भाई, मजाक। चले गए। अब इनके पीछे पहुंच गया जॉनी लीवर साहब। अब जॉनी भाई को देख के ही कितनी हंसी आ जाती है, आपको पता है। जॉनी भाई अपने अंदाज में आ गए। बाबा वीरप्पन छप्पन, अबे इतनी गंदी शक्ल लेके पैदा कैसे हो गया तू? तुझे धरती पे पैदा किसने किया बे? सुमित ने? अबे वैसे गंदे काम नहीं करता, इतनी गंदी शक्ल। तो अमोल सोनी ने पूछा, भाई किससे बात कर रहे? वो गंदी शक्ल वाला कौन है? उसे हटा, मैं डर रहा हूं। कौन है वो भाई? कौन है वो गंदी शक्ल वाला? हटा उसे। सर वो कोई नहीं है, वो आईना है। इट्स अ मिरर इमेज। अब वहां से पहुंच गए इरफान खान। वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, मेरे दिल में है। क्या भैया? अबे क्या चाहते क्या? अबे अबे लड़की को उठा के लिए चक्कर के बेटा, हमको पहचानते हो ना? हमको पहचानते हो ना बेटा? तुम्हारी तरक्की पक्की समझो बेटा, तुम लिख लो समझे। जाओगे बेटा ऊपर जाओगे। आदमी अक्सर जोश में होश खो बैठता है, एड़ा इस बात को भूल गया था, तू याद रखना। तो वीरप्पन ने बंदूक उठाई, क्या करना चाहते हो बे? अबे हमको मारना चाहते हो क्या? अबे साले हम तो जंगल में रोशनी फैलाने आए, सिसका लाए। अब साले ये मत पूछो किसका लाए। अबे तेरे लिए लाए एलईडी, छोड़ वो लेडी। बस डाकू बना लो हमें डाकू। अबे हमने नाम भी सोच लिया, इरफान सिंह तोमर। नहीं नहीं तोमर। अब इनके पीछे इन्हीं का चेला पहुंच गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का बाप का भाई का सबका कसम खा के कहता नवाजुद्दीन माधुरी को छोड़ाएगा आज के दिन। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, कभी कभी लगता है भगवान तुम्हें है। ये सीक्रेट गेम है, चलो बाय, टेक केयर। अब इनके पीछे पहुंच गए पंकज त्रिपाठी। बलिदान करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। मिर्जापुर से इतना दूर, केवल माधुरी आपके लिए, केवल आपके लिए। संकट आने संकट लिया, केवल आपके लिए। वीरप्पन जी साक्षात हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बदले में आपको क्या चाहिए बोलिए? गन बच चाहिए, पैसा चाहिए, सब मिल जाएगा, सब सब सब। इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। अब वीरप्पन ने बंदूक उठाई, जरूरी नहीं कि इनको छोड़े आप, जरूरी ये भी कि हमको छोड़ो। अब इनके पीछे पहुंच गए DIG के ग्रांड मास्टर मिठुन दा। एक बात बताना चाहता हूं, उसे जरा गौर से सुनना। आई, तेरी जात का कुत्ता पालू। आ, मां कसम,
कसम पैदा करने वाले की। अरे सुनता है ना, ए टपोरी, अरे सुनता है क्या, ए क्या हो गया, बोलती बंद हो गई, ए मेरे पन्ने बंदूक उठाई, अबे बंदूक नीचे कर, वरना मेरी आने वाली फिल्म जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है वो तेरे पे छोड़ूंगा। अबे तू तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा, अगर नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात, तेरा कुछ नहीं कर सकती है डीआईडी, तुझे तो पकड़ेगी सीआईडी। अब इनके पीछे बैठ गया धर्मेंद्र साहब, दो तीन पैक पी चुके थे। वीरप्पन डॉग की औलाद वीरप्पन बेहतरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, अगर कौसुर रहेगा तो खुद खा लूंगा, बेहतरा खून पी जाऊंगा वीरप्पन, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है, आज मैं कुछ नहीं पीऊंगा। अब इनके पीछे पहुंच गए शाहरुख खान। हे वीरप्पन, देखो कितनी बार बोला रे साला, कि जंगल का वो बाजू तेरा, हे बाजू अपन का, अरे इधर काय काय कुतरे हो, अभी तेरे को कौन बचाएगा, तू तो खलास खलास खलास। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, वीरप्पन जी ओम शांति ओम, हार के जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। कौन बोलो और जीत पा रहा, वो पता नहीं कहां चले गए इस मैदान में। और सबसे एंड में अन्ना हजारे जी पे पहुंच गए वहां पर। अन्ना जी किस तरह से, अरे मैं तेरे पक्ष में नहीं हूँ, ये सब नहीं करने का, मेरा मन दुखता है, क्योंकि मैं तुझे इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तू भी अन्ना है, मैं मराठी अन्ना, तू साउथ का अन्ना, मराठी में अन्ना हजार है, साउथ में अन्ना हजारों, कर्नाटक का है नाटक मत करो, इसलिए आज मैं तुझे समझा रहा हूँ कि अनशन मैं नहीं करूँगा, अब अनशन करेगा ये हमारा कैमरा बाज, और ये जब अनशन करेगा तो तेरे को अनशन मारेगा, किधर जाएगा तू, मार के नहीं, मारने का मतलब वो ना है हिंसा ना है, हिंसा ना है गांधी वादी हो, हिंसा ना है, ये कैमरा बॉस तेरे को केटी और अमोल सोनी का वीडियो दिखाएगा, बच सकता है तो बच। उसके बाद वीरप्पन ने माधुरी को वापस कर दिया, बोले इतना डिस्काउंट लेगा। लव यू ऑल, थैंक यू।